हेलो गाइस, आज मैंने फिर से कुछ बढ़िया वाले अनबॉक्सिंग करने वाले। तो आज मैंने मंगाया फ्लिपकार्ट स्मार्ट बैग का कीबोर्ड, तो जो कि मेरे इधर डेस्कटॉप के ऊपर था। वो मैंने अभी मुझे लास्ट टाइम जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उस पर कमेंट आई थी, क्योंकि मेरे सारे वीडियो के कमेंट जो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं। तो कमेंट आई थी कि भाई स्मार्ट बैग कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग करो, और मैंने देखा कि इस वीडियो मतलब इस कीबोर्ड की जो अनबॉक्सिंग ज़्यादा है ही नहीं। मतलब मैंने देखा सर्च मारा फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय नहीं सी, तो आज अपन अनबॉक्स करने वाला फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय, और आपको बताने वाला लेना है भी है या नहीं। तो आज मैं सारा टॉपिक का इसी वीडियो में कवर करने वाला, तो मेक श्योर कि आप लाइक और सब्सक्राइब कर ही जाओगे चैनल को, और ज़्यादा पसंद आए तो शेयर करना वीडियो को। बाकी मैं चलता हूँ वीडियो अपना स्मार्ट बाय वाला कीबोर्ड, तो अपन जल्दी से जिसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो इधर गए, मैंने देख सकते हैं इधर मैंने टेप लगा रखी है, तो इधर से अपने को करना पड़ेगा कट। तो मैं करता हूँ कट, तो देख सकते हैं ये होगा अपना कीबोर्ड। अभी आपने को इसको अंदर से बाहर निकालना, फिर आपको मैं सीधा बाहर निकल कर दिखाई दे, तो चलो छोड़ देते हैं, अभी इधर ही निकाल। तो गाइस ये अपना अंदर कीबोर्ड कुछ इस टाइप के पैकेजिंग में आता है, और ये रहा इसका डब्बा फ्लिपकार्ट का, इधर लिखा भी है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय। तो करते गाइस इधर से कुछ अनबॉक्सिंग इसकी, तो देख सकते हैं गाइस कुछ ये है, इसकी वायर फर्स्ट निकल जाती है, और ये है गाइस अपना कीबोर्ड। कीबोर्ड को देखते हैं बाद में। तो ये रहा गाइस, इसके साथ अपने को एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है, जो कि किसी काम की नहीं अपने लिए, जो इसको भी रख लेते साइड, दोनों डब्बे को और कीबोर्ड के ऊपर नज़र डालते हैं। देख सकते हैं कीबोर्ड तो गाइस कुछ इस टाइप का है, इसमें RGB मिल जाती है, और ये है गाइस अपनी वायर। वायर की क्वालिटी करें तो काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी जाड़ी भी है देख सकते हैं। सो अभी गाइस अपन इसको PC के ऊपर भी कनेक्ट करते हैं, तो ये देख सकते हैं इसका आवाज़ भी काफ़ी अच्छा है। ये ब्राउन बटन आता है ब्राउन गाइस बटन्स के साथ, तो ये ब्राउन बटन है। तो मैं आपको PC के ऊपर इसको कनेक्ट कर दिखाता हूँ। तो देखते हैं गाइस PC के ऊपर कनेक्ट करके ये कैसा है। कंप्यूटर पे तो लगा दिया है, तो अभी अपन इसके RGB को ऑन करते हैं। तो उधर अपने को एक FN बटन मिलता है, और अपने को ये वाला बटन ऑन करने के बाद ये देख सकते हैं RGB ऑन हो जाते हैं, और ये बटन दबा के उसके बाजू का जैसे आप बटन दबाओगे तो ये जो ऐसे बन चालू हो जाएगी RGB, देख सकते हैं आप जैसे कैमरे में आपको दिख रही है। सो उसके बाद थर्ड मोड नहीं मिलता है, दो मोड मिल जाते हैं जिसमें, तो ये एक प्लेन मुझे तो यही पसंद आता है, और काफ़ी अच्छा भी है कीबोर्ड। मतलब प्लास्टिक में मिल जाता है गाइस अपने को प्लास्टिक, और थोड़ा मैट में और डिज़ाइन वगैरह मिल जाते हैं। ये कुछ 700 में मिल जाएगा आप लोगों को कीबोर्ड, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है गाइस ये कीबोर्ड, और ये विंडोज़ 7 में भी वर्क कर जाता है। मैं तो विंडोज़ 10 यूज़ करता हूँ, और आप इसमें यूज़ विंडोज़ 7 में भी कर सकते हैं, विंडोज़ 8 में तो चल ही जाएगा आराम से। सो गाइस अभी देख सकते हैं कुछ इस टाइप का कीबोर्ड है गाइस, काफ़ी मुझे मस्त लगा कीबोर्ड, और अच्छा भी है। अभी आप इसको अभी अपन बोलते इसको ले सकते हैं या नहीं, तो आप इसको बिल्कुल मतलब बेझिझक परचेस्ट कीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। इसमें जो इधर ब्लू लाइट भी जलती है वो मैं अभी ऑन करता हूँ रुको, तो थोड़ा मेरा ये USB हब का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो भी मैं नया लूँगा तब मैं वीडियो बनाऊँगा। तो बाकी अपन चलते हैं मेरे फेस के दर। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।